आज हम बनाने वाले हैं डोनट, और वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी वाला, क्योंकि इस पे मैदा का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम और ना ही इसमें अंडा और दही का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं गेहूं के आटे से बने हुए स्वादिष्ट डोनट। तो यहाँ पर मैं 2 कटोरी गेहूं का आटा ले रही हूँ, इसी में 1 कटोरी हम पिसी हुई चीनी डालेंगे और साथ ही साथ 1 कटोरी हमें डालना है मिल्क पाउडर। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत कम समय में ये बन जाता है, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद अब हमें इसमें मिलाना है बेकिंग पाउडर। छोटी वाली चम्मच से मैं ये बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। आप मेज़रमेंट के लिए 1 ही कप और 1 ही स्पून रखें, अलग अलग स्पून या अलग अलग कप के साथ ना डालें, बस 1 ही कप होना चाहिए जिससे आप आटा, चीनी, मिल्क पाउडर सब डालेंगे, और स्पून भी 1 ही होना चाहिए जिससे आप बाकी की सारी चीज़ें डालेंगे। तो बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमें इन्हें अच्छी तरह से मिला लेना है। ये जो ड्राई इन्ग्रीडियंट रेडी हुआ है ना, ये सिर्फ डोनट के लिए नहीं है, इसके साथ मैं डोरा केक्स भी बनाने वाली हूँ। तो मैं इसे आधा रख लूँगी और आधा जो है उसके साथ मैं डोनट बनाने वाली हूँ। तो आधे का हिसाब आपको अच्छे से याद रहेगा, 1 कप आप लेंगे आटा, गेहूं का आटा, 1/2 कप चीनी और 1/2 कप मिल्क पाउडर। इस तरह से भी आप इसका जो है हिसाब रख सकते हैं। तो ड्राई इन्ग्रीडियंट को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। दूसरी वाला जो इन्ग्रीडियंट है उसके साथ मैं बनाऊंगी डोरा केक्स, उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इनमें हमें मिलाना है थोड़ा सा वनीला एसेंस, इस छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच, और दूध बहुत ही ध्यान से मिलाना, आप ऐसे ना डालें, आप स्पून की हेल्प से डालें, वरना ज़्यादा अगर दूध पड़ जाएगा ना तो ये गीला हो जाएगा, और हमें गीला नहीं करना है, बस जिससे कि ये एक साथ बंध जाए उतना ही करना है। और उसके बाद आपको इसके साथ एक गोल लड्डू बना लेना है, क्योंकि हमें इसे बेलना है अभी। तो बेलने के लिए आप आटे की हेल्प ले सकते हैं, आटा लगा करके आप इसे बेल सकते हैं। ओके, आपको जो साइज़ के बनाने हैं आप बना सकते हो। तो यहाँ पर जितना आटा मैंने लिया है ना, उस पे 2 डोनट बन जाएंगे, बड़े और एक छोटा सा। छोटा सा इसलिए बनेगा ना क्योंकि अंदर से थोड़ा सा हम निकालेंगे ना कट करके राउंड, तो वो जो निकलेगा ना उसके साथ मैंने और एक छोटा सा भी बना लिया। तो आप भी 3 या 4 साइज़ के ऊपर है, आप डोनट बना सकते हो। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आपको बेल लेना है और राउंड कर लेना है। आप चाहे तो बाहर का जो राउंड है ना उसे भी किसी कटोरी से राउंड कर सकते हैं, और अंदर कोई भी ढक्कन साइज़ का आप ले सकते हैं, या कोई छोटी ग्लास कटोरी आपके पास है तो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक ढक्कन की हेल्प ली है। तो इसके साथ बीच में से ना हमें थोड़ा सा निकाल देना है, क्योंकि डोनट की शेप तो आपको पता ही होती है, बीच से इस तरह से खाली रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दही बड़ा होता है। तो ये बीच से जो आटा निकला है ना, इसके साथ भी मैं एक छोटा सा डोनट बनाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं डोनट बिल्कुल रेडी हो चुका है, साइड से मैंने कट नहीं किया है। अगर आप चाहो तो साइड से भी किसी कटोरी की हेल्प से कट कर लीजिएगा, इससे शेप और भी ज़्यादा प्यारी आती है। और अब कढ़ाई में आपको वाइट ऑयल अच्छी तरह से गरम कर लेना है और उसकी फ्लेम को लो कर देना है, और उस पे ये बेला हुआ जो डोनट है ना उसे डाल देना है, और लो फ्लेम में ही आपको इसे हल्का हल्का सा फ्राई करना है गोल्डन होने तक। आप देख सकते हैं कि अच्छा डार्क गोल्डन कलर आ गया है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे, छोटा वाला डोनट भी मैंने डाल दिया है फ्राई होने के लिए, और साथ में जो एक और आपको नज़र आ रहा है बाहर उसे भी हम डाल देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से आपको तल लेना है, फ्राई कर लेना है धीमी आंच पे। आंच को तेज़ ना करें वरना ये बाहर से अच्छी तरह से पक जाएगा पर अंदर से ये कच्चा ही रहेगा, तो इसीलिए आंच को बिल्कुल धीमा रख कर के ही बिल्कुल आराम से आपको इन्हें फ्राई करना है डार्क गोल्डन होने तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी डोनट जो है तैयार हो चुके हैं, और अब इसे आपको ठंडा होने देना है। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तब आपको चाहिए होगी डार्क चॉकलेट, या फिर आप चाहे तो व्हाइट चॉकलेट भी ले सकते हैं आपकी अपनी पसंदीदा, या फिर डेयरी मिल्क भी आप ले सकते हैं। उसे हमें पिघला लेना है, या तो आप माइक्रोवेव में इसे 10 से 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लें, या फिर डबल बॉयलर की हेल्प से भी आप चॉकलेट को पिघला सकते हैं। और चॉकलेट पिघलने के बाद जब पूरी नॉर्मल हो जाएगी ना, गर्म नहीं, जब पूरी नॉर्मल हो जाएगी ना उसके बाद हमें इसके अंदर डोनट को डालना है। मैं बताती हूँ कैसे। ये रहा डोनट, डोनट पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं, और अब इनमें हमें
चॉकलेट को अच्छी तरह से लगा देना है एक साइड में, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, डोनट के एक ही साइड में चॉकलेट रहता है, बैक साइड में नहीं रहता है। तो इसी तरह आपको भी लगा लेना है। आप चाहे तो दोनों साइड लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसा मार्केट में रहता है ना, मैं बिल्कुल वैसा बना रही हूँ। तो एक साइड चॉकलेट लगाने के बाद आपको इसे रख लेना है, सभी डोनट्स में इसी तरह आपको चॉकलेट लगा लेनी है। और उसके बाद आप इसे चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि चॉकलेट जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए। पर उससे पहले एक स्टेप अभी आपको और करना है, मैं आपको बता रही हूँ क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों में ही मैंने जो है चॉकलेट को लगा दिया है, ठीक है। अब हल्का सा 2 से 3 मिनट वेट करना है, पूरी गीली चॉकलेट में ही आपको वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो नहीं करना है। हल्का सा 2 मिनट वेट करें ताकि चॉकलेट थोड़ी सी ड्राई हो जाए। उसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी चिप, जैसे जो भी आप चाहो, जैसे कि मैं यहाँ पर ये शुगर बॉल्स डाल रही हूँ और छोटे वाले में मैंने शुगर पाउडर डाल दिया है, तो आप भी ऐसे डाल सकते हैं। और बस थोड़ी देर के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें ताकि चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो जाए। और रेडी है आपके आटा से बने हुए टेस्टी हेल्दी डोनट। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।